हे व्हाट्सअप एंड आप भी सीखना चाहते कुछ इस प्रकार का फोटो एडिटिंग ओनली फॉर फोज गर्ल, ठीक है। तो देख सकते हैं मेरा फोटो कितना हाई क्वालिटी एडिट हुआ थी, देख सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पहले पुराना फ़ोटो देख लीजिए, ठीक है। देख सकते हैं कितना डार्क है मेरा फ़ोटो, पुराना वाइट मतलब पुराना फ़ोटो। और हम इस फोटो को कुछ इस प्रकार एडिट किए हैं, ठीक है। देख सकते हैं कितना हाई क्वालिटी फ़ोटो HD एडिट हुआ है। तो पूरा वीडियो को बने रहिए, ठीक है। हम आपको भी सिखाने वाले हैं पूरा हाई क्वालिटी HD फोटो Lightroom के अंदर, ठीक है। हे व्हाट्सअप एंड हम आपको सिखाने वाले हैं ओनली फॉर गर्ल्स फोज फोटो एडिटिंग, ठीक है। तो देख सकते हैं मेरा फोटो कितना HD क्वालिटी हाई क्वालिटी के DSLR का पीक है, ठीक है। तो हम इस फोटो को अपने Lightroom में एडिट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग स्किप मत कीजिए वीडियो को, ठीक है। पूरा वीडियो देखिए, यहाँ से मैं अपने फोटो को पूरा हाई क्वालिटी HD में एडिट करना है, ठीक है। पूरा बैकग्राउंड को वाइट करना है, येलो करना है, ग्रीन करना है, ठीक है, जैसे भी करो। तो यहाँ से अपने शेयर वाले पे क्लिक करके पहले स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। तो फिर से यहाँ से स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर आ चुके हैं। तो टूल्स पे क्लिक करके यहाँ से ट्विन इमेज पे क्लिक करके और विटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, ठीक है। और फिर चलेंगे एम्बुलेंस वाले पे, एम्बुलेंस पे थोड़ा सा क्लिक करना है और विटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, ठीक है। फिर से चलेंगे सैचुरेशन पे भी थोड़ा सा इंक्रीज करना है, शेडो को भी थोड़ा सा पूरा इंक्रीज करना है शेडो को, ठीक है। तो यहाँ से फोटो को लेते हैं डन करने के बाद मेरा देख सकते हैं डिटेल पे क्लिक करके थोड़ा सा स्ट्रक्चर को बढ़ा दें ताकि मेरा फोटो का क्वालिटी बढ़ जाए, ठीक है। +50 की ओर करेंगे, इतना रखेंगे, ठीक है। देख सकते हैं मेरा फोटो स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर हो चुका है, ठीक है। और हम अपने देख सकते हैं मेरा फोटो पे कोई डार्क वर्क नहीं है। तो यहाँ से हम अपने फोटो को शेयर कर लेते हैं अपने स्नैपसीड आदि Lightroom एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने Lightroom एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने Lightroom एप्लीकेशन के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ से हम अपने फोटो को एडिट करना है आपको मास्टर बनाने में Lightroom का, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने लाइट वाले पे क्लिक करके एक्सपोजर को थोड़ा सा प्लस करना है, +50 की ओर, और हाईलाइट्स को भी थोड़ा पूरा हाईलाइट्स को माइनस कर देना है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा इतना रखना है, ठीक है, -30 की ओर, ठीक है। वाइट को भी थोड़ा सा माइनस ही कर देना है, ठीक है। माइनस नहीं करना है, माइनस ही रखना है, ठीक है। और फिर चलेंगे ब्लैक वाले पे भी 10+ ही करना है। और फिर चलेंगे कलर वाले पे, ठीक है। कलर वाले पे जाके मिक्स टूल पे जाके चलेंगे अपने पहले ग्रीन वाले पे, ठीक है। ग्रीन वाले पे जाके सेचुरेशन को हम अपने देख सकते हैं अपने हिसाब से मिलाएंगे ताकि मेरा फ़ोटो भोकाल लगे देखने में। तो यहाँ से हम अपने फ़ोटो को पहले मिलाने वाले, ठीक है। तो लेमिनेंस को पूरा 100 कर दिए, सेचुरेशन को -100 कर दिए, ह्यू को +100 कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से फिर चलेंगे येलो वाले पे जाके यहाँ से हम अपने फ़ोटो को पूरा ह्यू को पूरा 100 कर देते हैं, इसको भी प्लस कर देते हैं 100, और इसको भी +30 की ओर रखना है, ठीक है। फिर से चलेंगे इस वाले पे ताकि मेरा फ़ोटो का हाई क्वालिटी HD थोड़ा बढ़े। तो यहाँ से अपने फ़ोटो को देख सकते हैं, फिर चलेंगे रेड वाले पे जाके थोड़ा सा इसको इंक्रीज ही करना है। और फिर यहाँ से हम अपने फ़ोटो को चलते हैं इस वाले कलर पे जाके, ठीक है, 5th नंबर पे। तो यहाँ से हम अपने 5th नंबर पे पूरा कर दिए, ठीक है। यू को -100 कर दिए, लेमिनेंस को अपने हिसाब से रखेंगे इतना, ठीक है, +100, सैचुरेशन को भी +100 करना है, ठीक है। फिर से चलेंगे 6th नंबर वाले पे जाके यहाँ से कुछ इस प्रकार का फ़ोटो एडिटिंग करना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने फ़ोटो को पूरा +100 कर दें, सैचुरेशन को भी माइनस कर दिए, लेमिनेंस को अपने हिसाब से रखेंगे, ठीक है, +20 के। और फिर से चलेंगे 7th नंबर पे जाके +100 कर दिए, ठीक है। फिर से चलेंगे इतना वाले पे, ठीक है। तो यहाँ से फोटो को ले डन करने के बाद सैचुरेशन पे आ जाएंगे, थोड़ा सा सैचुरेशन को देख लेते हैं, माइनस में ही रखना है प्लस, और टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ा देना है, क्लियरिटी को भी थोड़ा सा माइनस और की कर देना है, -10 की और कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने फ़ोटो को विगनेट्स वाले पे थोड़ा सा क्लिक करके मेरा फ़ोटो देख सकते हैं कितना भोकाल लग रहा है, HD क्वालिटी में फ़ोटो एडिट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से राउंडनेस वाले को पूरा 100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से इफेक्ट वाले पे फिर से डन कर लेंगे। और फिर यहाँ से हम अपने
देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने फोटो को आज कर लिए एडिट, फिर से चलेंगे हम एलडी वाले ऑप्शन पे, ठीक है। एलडी यहाँ पे हम शेयर कर लेते हैं आपको सिखाने वाला एलडी, जो कि हमारे बैकग्राउंड में अति ला सकता है, ठीक है, पूरा लाइट ला सकता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपने फ़ोटो में आ चुके हैं एलडी वाले ऑप्शन पे, ठीक है, लेंस डिस्टोरेंस वाले पे। फिर से चलेंगे लाइट वाले पे, लाइट वाले पे जाके क्लिक करके थोड़ा सा इसको छोटा कर लेना है, और इसका विटनेस थोड़ा सा हमें इंक थोड़ा सा विटनेस थोड़ा सा हमें कम कर देना, ठीक है। और फिर से चलेंगे यहाँ से डन, ठीक है। डन करने के बाद मेरा देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, देख सकते हैं कितना हाई क्वालिटी एच डी फोटो होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपने फोटो को कर लेते हैं सेव, ठीक है।